वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर। आज मैं आपको बेटा बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, और वो कॉन्सेप्ट पता है क्या है? वो कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव वैल्यू का। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति खुद से काम न पॉजिटिव CAUSATIV पॉजिटिव वर्ब, तो जब कोई व्यक्ति खुद से काम न करके दूसरे से काम करवाता हो तो उसे हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। पॉजिटिव वर्ब मतलब क्या हुआ कि जब कोई व्यक्ति, लिख लो इसको बराबर, जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके दूसरे से काम करवाता हो तो उसे हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। लिख लिया, इसको पॉज लिख लेना। जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके दूसरे से काम करवाता हो तो उसे हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। अब इसके टाइटल क्या होंगे? अब ध्यान दें बेटा, यहां पे दो वर्ड है, एक वर्ड है मेक और एक वर्ड है गेट। अब गेट और मेक, ये सेकंड वीडियो, इसके पहले भी हमने वीडियो बनाकर दिया होगा आपको, वो प्रेजेंट टेंस का था, आज मैं कॉन्टिन्यूअस टेंस का दे रहा हूं, मेक और गेट। अब मेक और गेट कहां लेगा? तो मेक का प्रयोग करना कि जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति हो, यानी करने वाला और करवाने वाला दोनों हो तो मेक लगाएंगे, और गेट कहां लगाना? करवाने वाला हो, करने वाला नहीं हो। तो करवाने वाला हो, करवाने वाला, करवाने वाला हो और करने वाला ना हो, तो करवाने वाला हो और करने वाला ना हो क्या लगाएंगे? गेट। गेट क्या प्रयोग करेंगे? मेक हो, करने वाला करवाने वाला दो व्यक्ति होता। जैसे मैं तुम्हें हंसाता हूं, मैं तुम्हें हंसाता हूं और मैं तुम्हें हंसा रहा हूं, तो मैं तुम्हें हंसा रहा हूं, वह मुझे रुला रहा है, सरकार गरीबों की मदद कर रहा है, वह सब्जी बेच बिकवा रहा है, वह पुल बनवा रहा है। तो जहां पे चीज हो, काम करवाने वाला और करने वाला, हर संडे में दो व्यक्ति होता है। मैं आम तुड़वा रहा हूं, मैं खाना बनवा रहा हूं, मैं बाल कटवा रहा हूं, मैं उसको रुला रहा हूं, वह उसको पिटवा रहा है, देख रहे हो हर चीज में। तो जब गेट और मेक का प्रयोग हम लोग करते हैं, काम करने वाला और करवाने वाला, मेक के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और गेट के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। मेक के बाद क्या आता है? V1, और गेट के बाद क्या आता है? V3। इसको ध्यान रखना मोटा मोटी बात। अब आगे देखो, स्ट्रक्चर मैं कॉन्टिन्यूअस में दे रहा हूं, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इज एम आर के बाद गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। अब इज एम के बाद क्या लगाते हैं? वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वही फोर्थ फॉर्म तुम्हारा गेटिंग है। यहां पे लगा देते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यही तुम्हारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जैसे आपको बोलना हो, काम करने वाला करवाने वाला दोनों हो तो क्या लगाना? मेक, और करवाने वाला हो करने वाला ना हो तो क्या लगाना? गेट। ये दो स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिए। जैसे हमने कहा कि मैं अपनी मां से खाना बनवा रहा हूं। अब देखो, मैं अपनी मां से खाना बनवा रहा हूं, तो बोलो बच्चे, मेक आएगा कि गेट है? मेक आएगा, गेट आएगा? बोलो, मैं अपनी मां से, मैं काम करवाने वाला अपनी मां से खाना बनवा रहा हूं, तो काम करने वाला कर दोनों है कि नहीं है? तो यहां क्या आ जाएगा? मेक। तो इसका अंग्रेजी हम यहां बनाएंगे ना मेक से, तो क्या हो जाएगा? आई एम मेकिंग, आई एम मेकिंग किसे भाई? माई मदर। आई एम मेकिंग माई मदर, खाना बना कर बोलो, प्रिपेयरिंग फूड, चाहे कुक कर सकते हो, प्रिपेयर फूड करो, कुक फूड को जो भी करो, तो आई एम मेकिंग माई मदर, कुक से काम चल जाएगा, या फिर फूड जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो। तो आई एम मेकिंग माई मदर कुक फूड, या प्रिपेयर फूड, या फिर सिंपल कुक से भी काम चल जाएगा। तो आई एम मेकिंग माई मदर कुक फूड। ए पे सेंटेंस में तुम्हें दूं,
कि मैं उसको पिटवा रहा हूं, तो मैं उसको पिटवा रहा हूं तो मैं हो गया काम करवाने वाला, लेकिन करने वाला है इसमें जो पीटेगा थप्पड़ मारेगा वो है मैं उसको पिटवा रहा हूं। कौन पिटेगा भाई, पता है तो नहीं पता कौन पिटेगा, तो मैं उसको पिटवा रहा हूं तो काम करवाने वाला है, करने वाला नहीं है। तो क्या लगाएंगे, गेट। तो इसका निजी कहां बनेगा बच्चे, गेट से बनेगा। तो क्या बनेगा, आई एम गेटिंग हिम बीटन, तो आई एम गेटिंग हिम बीटन, देखो भीतरी हो बीटन, तो आई एम गेटिंग हिम बीटन, मैं उसको पिटवा रहा हूं, आई एम गेटिंग हिम बीटन। क्लियर। अब तुम लोग बोलो फटाफट जो यूट्यूब देख रहे हो, सरकार गरीबों के लिए घर बनवा रही है, सरकार गरीबों के लिए घर बनवा रही है, सरकार हो गई काम करवाने वाली, और गरीब करने वाला है कि लेने वाला है, लेने वाला, करने वाला नहीं है। तो सरकार गरीबों के लिए घर बनवा रही है, तो मेक लगाऊं कि गेट लगाऊं, गेट ना। सरकार गरीबों के लिए घर बनवा रही है तो सरकार हो गई काम करवाने वाली, करने वाली है व्यक्ति कौन, तो कब गेट लगेगा, तो सरकार का निजी द गवर्नमेंट इज, द गवर्नमेंट इज गेटिंग द हाउस बिल्ट फॉर द पुअर, द गवर्नमेंट इज गेटिंग हाउस बिल्ट, बिल्ट भीतरी हो जाएगा, फॉर द पुअर, द गवर्नमेंट इज गेटिंग हाउस बिल्ट फॉर द पुअर। और देख लो सेंटेंस में बोलूं कि मैं आम तुड़वा रहा हूं तो आई एम मेकिंग मैंगो प्लक, क्लियर, मैं उससे आम तुड़वा रहा हूं तो आई एम मेकिंग हिम मैंगो प्लक, क्लियर, और मैं आम तुड़वा रहा हूं तो आई एम गेटिंग द मैंगो प्लक्ड, तो उससे तुड़वा रहा हूं तो मेकिंग का प्रयोग, तुड़वा रहा हूं तो सिंपल गेट का प्रयोग। जैसे मैंने कहा कि मैं आम तुड़वा रहा हूं तो कौन तोड़ रहा पता है, तो बोला आई एम गेटिंग मैंगो प्लक्ड, और मैं राम से आम तुड़वा रहा हूं तो आई एम मेकिंग राम, आई एम मेकिंग राम प्लक मैंगो, क्लियर। और देखो मैं बाल कटवा रहा हूं तो मैं बाल कटवा रहा हूं, कौन काट रहा नहीं पता, तो आई एम गेटिंग हेयर कट, कट 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 तीनों फॉर्म समान होते हैं, तो आई एम गेटिंग माय हेयर, योर हेयर, हिज हेयर, जो मन करता हो, तो आई एम गेटिंग हेयर कट। क्लियर हो गया, सुना आप गौर से, मैं उसको इस काम के लिए दौड़ा रहा हूं तो मैं काम करवाने वाला उसको दौड़ा रहा हूं, काम तो ही कर रहा है, तो आई एम मेकिंग हिम रन फॉर दिस वर्क, तो आई एम मेकिंग हिम रन फॉर दिस वर्क। यहां तो बच्चे को दिक्कत, तो जितने सेंटेंस चाहें उतना सेंटेंस बोलें। और हाँ, इस पे हमने वीडियो पहले भी एक दिया हुआ है, उस वीडियो को देखें, और साथ साथ मैं जो यहाँ काम कर रहा हूँ पढ़ाते हुए वीडियो आपको दे रहा हूँ बना करके, आप इसको देखें और बढ़िया से लाभ उठाएं, और बेहतर हो कि आप दिल्ली आ जाएं और बेहतर क्या क्लास करें। थैंक यू वेरी मच।